एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस चैनल पे हम BU की कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं यूनिट वाइज। अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग हम लोग 13 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले हम राष्ट्रीय आंदोलन देख रहे हैं, जो BU की सिलेबस में अलग से मेंशन है। इससे कम से कम 8 से 10 सवाल आएंगे, और जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसी में से 8 से 10 सवाल आपके श्योरली आ जाएंगे। तो आप पूरा वीडियो देखें और इसे अच्छे से फॉलो करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, क्रिप्स मिशन के प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो क्रिप्स मिशन में कौन से प्रावधान किए गए थे, उसमें से दो यहाँ दिए गए हैं, आपको बताना ये कौन से सही है इनमें से। तो पहला है डोमिनियन स्टेटस, यानी अधिराज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, ऐसा क्रिप्स मिशन में बोला गया। पहला कथन तो ये है। दूसरा कथन है युद्ध, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। तो आपको बताना है ये दोनों सही है, या इनमें से कोई एक सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है एक और दो दोनों सही हैं, ऑप्शन बी है दो सही है, ऑप्शन सी है एक सही है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, ये दोनों ही सही आंसर हैं। क्रिप्स मिशन में ऐसे प्रावधान थे। अगला सवाल है, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है। तो आपको इसमें ये कथन दिया है जो किसने बोला है क्रिप्स मिशन के संदर्भ में, वो आपको बताना है। तो कथन यह है, यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, यह कथन किसका है क्रिप्स मिशन के संदर्भ में। तो पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है गांधी जी, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऐसा क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने बोला था। ये सवाल बहुत बार PCS में पूछा गया है। अगला सवाल है, कांग्रेस कार्य समिति की कौन सी बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। तो ऑप्शन ए वर्धा बैठक में, ऑप्शन बी बारदौली बैठक में, ऑप्शन सी चंपारण बैठक में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो गांधी जी ने जो प्रस्ताव इसे शुरू करने का किया था, तो ये वर्धा बैठक में किया था। और अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ किया गया था। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है बम्बई में 8 अगस्त 1942 से, बी ऑप्शन बी है मद्रास में 8 अगस्त 1942 से, ऑप्शन सी है नागपुर 9 अगस्त 1942 से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई में 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया था, ग्वालिया टैंक नामक मैदान से। ये सवाल भी PCS में बहुत बार पूछा गया है। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत आंदोलन यानी गतिविधियां थी, उनमें कौन कौन सम्मिलित थे। तो पहले हैं राम मनोहर लोहिया, दूसरे हैं जयप्रकाश नारायण, तीसरे हैं अरुणा आसफ अली, और चौथी हैं उषा मेहता। तो आपको बताना है इनमें से कौन सम्मिलित था, इनमें से कोई नहीं था, या ये सभी थे। तो ऑप्शन ए है एक दो तीन सम्मिलित थे, या ऑप्शन डी ऑप्शन बी ये सभी लोग सम्मिलित थे, ऑप्शन सी दो तीन चार सम्मिलित थे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, ये सभी लोग भूमिगत गतिविधियों में सम्मिलित थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार PCS में पूछा गया है, IAS में भी पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है उषा मेहता, ऑप्शन बी अच्युत पटवर्धन, और सी सुचेता कृपलानी, और डी बीजू पटनायक। तो राइट आंसर है उषा मेहता, इससे उषा मेहता ने इसकी स्थापना की, वही इससे जुड़ी हुई थी। अगला सवाल है, बलिया में समांतर सरकार की स्थापना किसने की। देखो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगह जगह पर समांतर सरकारों की स्थापना की, इनमें से तीन मुख्य थी, तो उन तीन में से एक ये है, बलिया में समांतर सरकार की स्थापना किसने की, ये सवाल है। तो ऑप्शन ए है चित्तू पांडे, ऑप्शन बी YB चव्हाण, ऑप्शन सी नाना पाटिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बलिया वाली जो समांतर सरकार थी, इसकी स्थापना चित्तू पांडे ने की थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सतारा की समांतर सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो पहले हैं चित्तू पांडे, दूसरे हैं YB चव्हाण, और तीसरे हैं नाना पाटिल। तो आपको बताना है किसने की, या किस किसने मिल के की। तो ऑप्शन ए है तीनों द्वारा, ऑप्शन बी है दो तीन के द्वारा, और ऑप्शन सी है केवल एक के द्वारा, ऑप्शन डी है एक तीन के द्वारा। तो जो सतारा की समांतर सरकार थी, इसकी स्थापना की थी YB चव्हाण और नाना पाटिल ने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2-3 ये दोनों सही हैं, 2-3।
अगला सवाल है, जाति सरकार कौन सी समांतर सरकार को कहा जाता है? तो आपको बताना है, जो जातीय सरकार बोला जाता है इनमें से किसी एक समांतर सरकार को बोला जाता है। तो ऑप्शन ए है तामलुक, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी बलिया और ऑप्शन डी प्रति सरकार। तो जो तामलुक वाली सरकार थी इसको ही जातीय सरकार के नाम से जाना जाता था। तो ये हुए आज के 10 सवाल। अगले सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे, बाकी प्लेलिस्ट में दिए गए हैं 150 इससे पहले के प्रश्न। तो थैंक यू।